सड़क हादसे में माँ बेटे बुरी तरह हुए घायल। रोडवेज बस और कार की जबरदस्त भिड़ंत। टक्कर लगने के बाद घायल हुए कार सवार। बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ खौफनाक हादसा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे इन दिनों गाड़ियों की आवाजाही से व्यस्त नजर आ रहा है। जहां चारधाम यात्रा को महीने भर से भी कम का वक्त रह गया है, वहीं अब चारधाम जाने वाले यात्रियों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसी कड़ी में कई यात्री बद्रीनाथ की ओर भी जा रही हैं। गुरुवार को बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास दिल्ली से गोपेश्वर आ रही एक बस और चमोली से ऋषिकेश की ओर जा रही कार की जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार माँ और बेटे बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया। हादसा बेहद खतरनाक और खौफनाक था। मिली जानकारी मुताबिक चमोली से ऋषिकेश की ओर जा रही कार रॉन्ग साइड से जा रही थी, जिस वजह से ये कार बस से जा टकराई और हादसा हो गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये हादसा हुआ। कार और बस टक्कर लगने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। हालांकि कार सवार माँ बेटे बुरी तरह चोटिल हो गए, जिन्हें की गोपेश्वर के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। कार पूरी तरह से रॉन्ग साइड चल रही थी, ऐसे में यह हादसा और भी खतरनाक रूप ले सकता था। टक्कर लगने के बाद कार के अंजर पंजर ढीले हो गए, वहीं बस की एक साइड भी बुरी तरह डैमेज हो गई। हादसा देख बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई। बद्रीनाथ हाईवे पर इन दिनों गाड़ियां सरपट दौड़ती हुई नजर आ रही है और पहाड़ों पर हर एक मोड़ पे खतरे नजर आते हैं। ऐसे में गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। चमोली से कमल नैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।